kids welcome back I am Vandana and we are learning English grammar and today we are going to learn English grammar from brain root series here this is a book and the name of the book is grammar glitter Odyssey and this is book one today we are going to learn chapter number nine and the name is

सो कलर्स कैन also बी used एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स Examples are ग्रीन रेड blue, ब्लैक वाइट पिंक पर्पल ऑरेंज येलो एंड ब्राउन सो आई थिंक everybody लाइक्स टू कलर आपको कलर करना बहुत ही अच्छा लगता होगा तो क्या आप ये कलर्स यूज करते हैं ओके जो भी कलर्स आप यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स

तो चलिए देखते हैं दिस इज अ डैश फ्लावर तो लेट्स मेक इट रेड सो दिस इज अ रेड फ्लावर सो वी विल राइट हियर रेड सेकेंड वन शी हैज अ डैश बलून सो लेट्स फिल येलो कलर इन दिस सो हमने लिख दिया शी हैज अ येलो बलून नेक्स्ट नीतीश बैग इज डैश तो अब नीतीश के बैग को चलो कर देते हैं ग्रीन कलर तो यस दिस बैग इज ऑफ ग्रीन कलर तो हमने यहां लिख दिया ग्रीन मनीषा हैज अ डैश मग मनीषा के पास एक मग है जो है पर्पल कलर का सो लेट्स कलर द मार्ग कलर इट प्रॉपरली एंड राइट हियर पर्पल मनीषा हैज अ पर्पल मार्ग नाउ लेट्स डू दिस बी एक्सरसाइज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ कलर करेक्ट कलर्स तो यहां पे कुछ कलर्स दिए गए हैं उनके नेम हमें लिखने हैं एप्पल्स आर एप्पल आप खाते हो ना कौन से कलर का होता है वो रेडियर रेड देर आर मैनी डैश वॉटरमेल वाटरमेल देखे जो आपके घर तरबूज आते हैं पापल आते हैं ना बड़े बड़े तरबूज वो कौन से कलर के होते हैं ग्रीन सोलेट सराइटियर ग्रीन द पाइन आर डैश इन कलर पाइनएप्पल खाए सबने यस इट इज अ फ्रूट और वो होता है येलो कलर का नेक्स्ट अ मैन इज वेयरिंग डैश सन ग्लासेस एक आदमी ने कैसे सन ग्लासेस पहने हैं चश्मा देखा है आपने जो धूप में पहनते हैं जैसे इन्होंने पहना है कौन से कलर का होता है वो यस ब्लैक सन ग्लासेस द स्काई इज डैश स्काई का कलर कौन सा होता है ब्ल्यू सो लेट्स राइट इट हियर सो दीज आर द कलर्स नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कलर्स लेट्स लर्न अबाउट नंबर्स अब चलो नंबर के बारे में पढ़ते हैं वी शैल सी दैट नंबर्स कैन ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट पीपल प्लेसेस एंड थिंग ये जो नंबर्स हैं हमें लोगों के बारे में बताते हैं प्लेसेस के बारे में बताते हैं एंड थिंग्स के बारे में बताते हैं नंबर वर्ड्स आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ये जो वर्ड्स हैं ये जो नंबर्स हैं इन्हें भी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं तो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज Exercise C. What we have to do here? We have to fill in the blanks with correct describing words. Blanks को fill करना है सही describing word के साथ They can be colors or numbers. ये color हो सकते हैं numbers हो सकते हैं The pictures will help you. तो चलो जल्दी से numbers को हम यहाँ पर लिख देते हैं Rishika is wearing a dash hat. कैसा हैट है यस टेल मी द कलर सो शी इज वियरिंग अ ब्लैक हैट आई कैन सी अ डैश पैरट कैसा पैरट है ये कौन से कलर का है ग्रीन पैरट क्योंकि यहां पे पहले से अ लिखा है अ मतलब एक तो नंबर हमें कुछ लिखना ही नहीं है नेक्स्ट थर्ड वन

फोर्थ वन इज रियाज डैश पेट्स कितने पेट्स है रिया के पास चले काउंट करते हैं देर आर डैश लेडी बर्थस ऑन द लीफ लीफ पे कितनी लेडी बर्थ है लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर सो देर आर Four ladybirds. Clear? Next, Arjun is taking dash roses to the school. School ja hai. Kitne roses ja hai? Let's count. One, two, three, four, five, six. So Arjun is carrying six roses to the school. Now let's move on to D exercise. Read the story and underline all the describing words. Story ko पढ़ना है और जो भी describing words हैं उन्हें underline करना है Goldilocks saw three bowls on a wooden table. तो ये जो girl है इसका नाम है Goldilocks. इसने क्या देखा कि एक टेबल है जिसपे थ्री वुडन अ थ्री बाउल्स रखे हुए हैं और टेबल कैसा है वुडन तो हमें क्या करना है वुडन को अंडरलाइन करना है क्यों क्योंकि टेबल कैसा है तो आंसर कम्स वुडन और बाउल कितने हैं ये थ्री बाउल्स क्योंकि थ्री भी तो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है द प्रिटी बाउल्स व फुल ऑफ पॉरेज तो बाउल्स कैसे हैं प्रिटी और पॉरेज कैसा है नो आंसर गोल्डी लॉक फेल्ट हंगरी शी ट्राइड सम पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल अगेन पॉरेज कितना है सो य आंसर काम्स सम तो सम इज ऑल्सो आर डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड बाउल कैसा है बेग तो बेग इज ऑल्सो आर डिस्क्राइबिंग वर्ड बट द बिग बाउल हैड हॉट पॉरेज तो अब अगेन बाउल कैसा है बेग और पॉरेज कैसा है हॉट सो बिग एंड हॉट बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो शी ट्राइड द नेक्स्ट बाउल अब पहले बाउल से जब उसने खाया तो पॉरेज बहुत ज्यादा गर्म था तो उसने कहा कि बहुत ज्यादा गर्म है चलो अगले सेकेंड बाउल से खाती हूँ तो उसने क्या किया नेक्स्ट बाउल को ट्राई किया तो बाउल कैसा है नेक्स्ट बट द स्मॉल बाउल हैल्ड पॉरेज अब जो स्मॉल बाउल है बाउल कैसा है स्मॉल और पॉरेज कैसा है कोल्ड तो ये दोनों भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। द टाइनी बाउल वॉज परफेक्ट और जो सबसे छोटा बाउल था उसमें जो पॉरिज था वो एकदम परफेक्ट था ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा तो यहां पे बाउल कैसा है टाइनी शी एट एट और उसने जो ये स्मॉल बाउल था उसको सारा पॉरेज खा लिया गोल्डी लॉक वॉज अ हैप्पी गर्ल और अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई तो यहाँ पे हैप्पी क्या है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड गर्ल कैसी हैप्पी सो दीज ऑल वर्ड्स दैट वीडरलाइन यर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स Now children, let's learn about name of days and months. तो क्या आपको पता है कितने days होते हैं one week में और कितने months होते हैं one year में तो चलिए जल्दी से देखते हैं इनके names क्या हैं So let's learn about days of the week. And here this is a small poem that we will learn. Monday's child is स्वीट by फेस Tuesday's चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं मंडे को जो बच्चा है वो कैसा है उसका फेस कैसा है बहुत ही प्यारा स्वीट सा है और ट्यूसडे को वो जो बच्चा है वो ग्रेस से भरा हुआ है वेंसडेज चाइल्ड इज मैरी एंड ग्लैड तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं वेंसडे को जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है मेरी है और ग्लैड महसूस कर रहा है थर्सडे चाइल्ड इज नेवर सैड और जो थर्सडे जब आता है तो बच्चा बिल्कुल भी सैड नहीं होता है फ्राइडे चाइल्ड इज लविंग एंड गिविंग फ्राइडे को जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते उन्हें देते हैं टरडेज चाइल्ड इज ऑलवेज केयरिंग और सैटरडे को जो तो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं सबका ध्यान रखते हैं बट द चाइल्ड दैट इज बॉर्न ऑन सन्डे इज वाइस एंड गुड एंड ऑलवेज हैप्पी अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो बच्चे संडे को पैदा होते हैं वो हमेशा दयालु होते हैं वाइस होते हैं अच्छे होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं सो so, यहाँ पे पोइट हमें क्या बता रहे हैं कि जो बच्चे मंडे को पैदा होते हैं उनका फेस स्वीट होता है ट्यूसडे को पैदा होने वाले बच्चे ग्रेस से भरे हुए होते हैं एलिगेंस से भरे हुए होते हैं वेंसडे को पैदा होने वाले बच्चे मेरी और ग्लाड होते हैं थर्सडे वाले बच्चे कभी भी सैड नहीं होते फ्राइडे वाले बच्चे लविंग एंड गिविंग होते हैं सैटरडे के बच्चे केयरिंग होते हैं और संडे के बच्चे बहुत ज्यादा दयालु अच्छे और हैप्पी होते हैं सो द नेम ऑफ द ऑलवेज़ बिगिन विद कैपिटल लेटर जितने भी यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं नेम ऑफ डेज आप देखो ये सारे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुए हैं तो कौन कौन से डेज होते हैं वीक के मंडे Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Total कितने हुए Seven days. So there are seven days in one week. Clear? एक हफ्ते में seven days होते हैं और वो कौन कौन से हैं मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे नाउ आफ्टर लर्निंग डेज ऑफ द वीक लेट्स लर्न मंथ्स ऑफ द ईयर ईयर में कितने मंथ्स होते हैं सो देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर एक साल में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं एंड द नेम ऑफ द मंथ्स आर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल, मई, जून जुलाई अगस्त, सितंबर, ऑक्टोबर नवंबर एंड दिसंबर। सो दीज आर द ट्वेल्व मंथ्स ऑफ द ईयर अब क्या लिखा है यहाँ पे सितंबर अप्रैल एंड जून एंड नवंबर हैव थर्टी डेज आपने देखा होगा ना आप स्कूल जाते हो वन से थर्टी डेज उसमें आप लिखते हैं अपनी किसमें नोटबुक में डेट नोट आप ऐसे लिखते हैं तो कौन कौन से मंथ्स हैं जिसमें थर्टी डेज होते हैं तो वो हैं सेप्टेंबर अप्रैल जून एंड नवंबर तो जल्दी से लर्न कर लिए फोर मंथ है जिसमें थर्टी डेज होते हैं बाकी के जितने भी हैं ऑल द रेस्ट थर्टी वन डेज बाकी में थर्टी वन डेज होते हैं एक्सेप्ट फॉर फेबर अलोन बस फेबररी को आपको अलग कर देना है क्यों क्योंकि फेब्ररी में या तो ट्वेंटी एट डेज होते हैं या फिर ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं फेबररी विच हैज ट्वेंटी एट डेज इन अ ईयर एक साल में ट्वेंटी एट डेज होते हैं और जब लीप ईयर आता है मीन्स फोर ईयर्स के बाद फेबररी में एक दिन ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है ट्वेंटी नाइन डेज का दर्ड्स दैट आर इन ब्लू कलर आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथस इन अ ईयर तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में वर्ड्स लिखे हैं ये क्या है कुछ महीनों के नाम है किसमें से ईयर में से तो वॉट वी हैव टू रिमेंबर वी हैव टू रिमेंबर दू बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स तो डेज के नाम की बात करें तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और अगर हम इन मंथ्स की बात करें तो ये भी हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होते हैं क्लियर चिल्ड्रेन नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज वॉट यू हैव टू डू राइट द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक वीक में जो भी डेज होते हैं उनके नाम लिखने हैं एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर जो भी मंथ्स होते हैं ईयर में उनके नाम लिखने हैं इन योर नोटबुक आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखना है क्या लिखना है डेज ऑफ अ वीक संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बर अक्टूबर नवम्बर एंड दिसंबर सो ये दोनों लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में सो चिल्ड्रेन आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा डेज ऑफ अ वी एंड अ ईयर। सो यू हैव लर्न द स्पेलिंग्स आल्सो, आई बी है स्पेलिंग सोन विद्यूड चिल्ड्रेन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग